नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सीधी तस्वीरें आपको डवाली विधानसभा के गांव अहमदपुर दारेवाला से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी कुमारी शैलजा पहुंची है। उनके साथ डवाली से विधायक अमित सिहा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह भी साथ में नजर आ रहे हैं और गाँव के सरपंच जो कि राधिका कालडा, अनिल कालडा, गंगू और गोविंद कालडा, तमाम जो ग्रामवासियों की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और फूलों की वर्षा, पुष्प वर्षा के साथ जो कुमारी शैलजा का स्वागत किया जा रहा। हम आपको लगातार तस्वीरें डवाली की दिखा रहे हैं, जहां पर आज 2 दर्जन से भी ज़्यादा गांव का कुमारी शैलजा दौरा कर रही है। लगातार वो अपना तूफानी प्रचार कर रही है और तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लगातार पुष्प वर्षा हो रही है और साथ में जो कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो एकजुटता के साथ लगातार कुमारी शैलजा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। और सिरसा में जैसे ही कुमारी शैलजा को जो कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद लगातार कांग्रेस के नेता एक मंच पर आकर कुमारी शैलजा के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में जो महिलाएं पहुंची हैं, फूल मालाओं के साथ जो महिलाएं हैं वो कुमारी शैलजा का स्वागत कर रही है, और खास करके जो बुजुर्ग महिलाएं वो इस कार्यक्रम में देखने को मिलती है। और गांव-गांव जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तो वहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो जमा हो रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग महिलाएं कुमारी शैलजा के सिर पर रखकर उनको आशीष और आशीर्वाद दे रही है, और गांव में एक तरफा तरीके से जो लहर है वो देखने को मिल रही है। जो कि गांव के सरपंच जो कि अनिल कालडा गंगू की ओर से, आज उनकी तरफ से हाल ही में कांग्रेस को ज्वाइन किया गया था, और पूर्व में जो उनके पिता है सरपंच गोविंद कालडा रहे हैं, लगातार उनका अच्छा खासा जो प्रभाव है वो कांग्रेस में हमेशा से उनका रहा है। और इस बार भी उन्होंने जैसे ही जो कांग्रेस में कुमारी शैलजा का ऐलान किया गया, तो उनका जो सीधे तौर पर समर्थन है वो कांग्रेस का मिला। और ऐसे में सिरसा से वीरवान मेहता की बात की जाए और पूर्व में सांसद जो कि इंदौरा की बात की जाए, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार कुमारी शैलजा को मजबूती प्रदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जो हम जो कि डवाली विधानसभा के गांव अहमदपुर दारेवाला से तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में, जो सबसे बड़ी बात है कि कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में सबसे ज़्यादा जो शमूलियत है वो महिलाओं की रहती है, बुजुर्गों की रहती है, बच्चों की रहती है। और आज भी यहाँ पर एक रिकॉर्ड तोड़ जो जनसभा है वो देखने को मिली है। लगातार हम लोग देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से चाहे बीजेपी के चुनावी कैंपेन की बात की जाए, जसपा के कैंपेन की बात की जाए, एनएलडी की बात की जाए, लेकिन कुमारी शैलजा के कार्यक्रमों में जो भीड़ है वो सबसे ज़्यादा कतर हो रही है। ऐसे में जो लगातार डवाली से विधायक अमित सिहा की बात की जाए, कांग्रेस नेता डॉक्टर केवी सिंह की बात की जाए, और इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सरोज मानव की बात की जाए, गदराना की बात की जाए, तमाम जो नेता वो एक मंच पर आकर लगातार जो कुमारी शैलजा के हित में वोट की अपील कर रहे हैं। और आज भी जो हल्के डवाली के तमाम जो गांव में पुरजोर तरीके से जो स्वागत कुमारी शैलजा का किया गया, और कहीं ना कहीं जो अगर आप डवाली गाँव के गाँव जो अहमदपुर दारेवाला की बात करें, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ है वो कुमारी शैलजा को सुनने के लिए देखने को मिली है। और लगातार जो गांव में जैसे जैसे कुमारी शैलजा पहुंच रही है, और ये तस्वीरों में हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि गांव की जो सरपंच राधिका कालडा है वो समान स्वरूप एक पगड़ी पहनाकर कुमारी शैलजा का अभिनंदन कर रही है, और जो तमाम कांग्रेस के नेता, इंडिया अलायंस के जो नेता है वो भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो गाँव की तरफ से, पंचायत की तरफ से जो कुमारी शैलजा की तरफ से तमाम बुजुर्ग और पंचों, अपनी महिला पंचों के साथ जो कुमारी शैलजा को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया है, और इसके साथ साथ जो गांव के सरपंच प्रतिनिधि की बात करें तो ये महिलाओं की तरफ से और सरोज बानों की तरफ से, जो इंडिया अलायंस के नेता, आम आदमी पार्टी की नेत्री, उनकी तरफ से भी ये पगड़ी पहनाई गई है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि बुजुर्ग महिलाओं की तरफ से आशीष लगातार दी जा रही है, और अब जो पगड़ी है वो गोविंद कालडा है पूर्व सरपंच, और पूरी पंच सरपंच की तरफ से वो अमित सिहाग जो विधायक डवाली से हैं, उनको पगड़ी पहनाकर जो गांव की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अब जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व में ओएसडी रहे डॉक्टर केवी सिंह को भी जो कि गांव की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो लगातार जो कांग्रेस जनों को एक प्रतिष्ठा मिल रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, और जैसे जैसे गांव-गांव में काफिला पहुंच रहा है, तो लगातार उनको जो साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शैलजा जी, हाँ जी, क्या माहौल है आपके गांव में? बहुत अच्छा माहौल है इलेक्शन का। शैलजा जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी। मेरे को ये लगता है डबल हल्के में जितने गांव हैं, वोटों की एवरेज के हिसाब से
हमारे गांव अहमदपुर दारेवाड़ा की सबसे बड़ी लड़ाई। अच्छा, तो कांग्रेस की लीड, शैलजा की लीड आने का मुख्य कारण क्या है आपके गांव से? बस शैलजा लोगों के दिलों में बसती है जी। ये 1988 में इलेक्शन लड़ी थी फर्स्ट टाइम, मैं उस टाइम 15 साल का था। अच्छा। मैं उस टाइम इनका एजेंट बना था, पोलिंग एजेंट था। मैं उस टाइम डबल रहता था, मेहता धर्मशाला में पोलिंग बूथ था, मैं वहाँ एजेंट बना था 15 साल की उम्र में। मैं उस टाइम से शैलजा जी के साथ जुड़ा हूँ। तो इतने टाइम बाद शैलजा दोबारा इलेक्शन लड़ रही है, तो वो लोगों का जो है वो कटाव नहीं हुआ? नहीं नहीं नहीं, शैलजा लगातार कंटिन्यू सरसा वालों के वैसे टच में रही है जैसे अम्बाला वालों के साथ टच में रही है। सभी के दुख सुख में आना, अगर किसी को दुख तकलीफ होती शैलजा जी के साथ पास जाते थे, वो उनको का कष्टों का या किसी प्रकार का कोई दुख तकलीफ होती तो उनका निवारण करवाती थी। हर गमी हर खुशी में सरसा में हर आदमी के साथ टच में थी वो। मैं इसीलिए दावे हरियाणा में सबसे बड़ी जीत होगी। कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है? कैसा प्रचार? अच्छा है, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, ऐसा लग रहा है कि लोग खुद चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। बहुत लोग दुखी हैं वर्तमान सरकार से, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की बात करो, चाहे परिवार पहचान पत्र की बात करें, तरह तरह की बातें। किसान दुखी है, गरीब दुखी है, सभी दुखी है। तो सब लोग दुखी हैं आज के। मैम, कल परसों आपने भाषण में भैंस का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समझ नहीं आई हमारे। हाँ। कुछ भैंस की बात की है मोदी जी ने, हमारे समझ में नहीं आई। तो मैं पूछ रही थी लोगों से, उनको समझ में आई है क्या? तो लग रहा है हमारे तो समझ से बाहर है ऐसी बात। मुख्यमंत्री लगातार यहाँ पर रैलियाँ कर रहे हैं, फिर माधव सिंह खाना में रैली होने जा रही है। उनको आप रैली कहते हो? अब लोग क्या मुश्किल होती है इनको लोग इकट्ठा करना, तो अब उसको अब रैली कहोगे क्या कहोगे? तभी देखो ये जगह ढूंढते फिर रहे हैं। आज के दिन लोगों को ये भी नहीं पता कि मुख्यमंत्री है कौन। तो जब वो कहते हैं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई कौन आ रहा है, कौन सा है, असली है, कौन है। बातें चल रही हैं लोगों के बीच में। मैम, हिसार से जो भाजपा प्रत्याशी हैं रंजीत सिंह, उन्होंने एक बयान दिया था कि शैलजा को पहले दो बार हरा करके भगाया था और अब 15 दिन भाई इसका जवाब तो ये दे देंगे कि शैलजा कितनी बार जीती है और वो खुद कितनी बार जीती है। नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने भी एक बयान दिया है कि शहजादे की उम्र जितनी सीटें कांग्रेस के आएंगे इस बार। सर देखो, उनकी अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्योंकि वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन एक ओहदे की गरिमा रखते हुए ही भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और दुख की बात यह है कि जब से ये आए हैं तब से इस पद की गरिमा नहीं रही, और जो एक लेवल होना चाहिए था बात करने का, भाषणों का, और जो लोग उम्मीद करते थे वो स्तर अब वो रहा ही नहीं। मैम, एक आखिरी सवाल, जो और आदत हो गई है इनकी अपनी कमियां छुपाने के लिए विपक्ष पर, हमारे नेताओं पर इस तरह के छोटे उस तरह के कटाक्ष करते हैं, और अपनी बात तो कहने की हिम्मत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट ने देखा है, न्यायपालिका देख रही है कि किस तरह से विरोध के जो नेता हैं, विरोधी पक्ष के नेता हैं, उनके साथ कैसे भेदभाव हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट तो देख रहा है, जनता भी देख रही है। केजरीवाल चुनाव प्रचार करेंगे तो समीकरण हालात कुछ और बदलते दिखाई दे रहे हैं? देखो देखो, वो सारी बातें हैं, बिल्कुल वो अपनी बात रखेंगे। ठीक है।